सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। क्या बात है आप लोग क्यों बैठे हुए को लेकर परिजन बैठे अनशन पर। हमारा नाम है राकेश कुमार सिंह, एडवोकेट। हमारे पुत्र की हत्या, 13 वर्षीय पुत्र की हत्या हो गई है। जो मुलजिम ने हत्या किया है उनका नाम पुलिस के विवेचना के दौरान 5 मुलजिम का नाम आया है प्रकाश में, जिसमें एक की सक्षम से गिरफ्तारी हुई है, 4 मुलजिम फरार हैं। जब तक 4 मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग आमरण अवसर पर बैठे रहेंगे। पुलिस विभाग क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस विभाग यही कर रही है कि गिरफ्तारी का मतलब हम खोजबीन कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए मुलजिमों की खोजबीन में लगे हैं। कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं यहाँ? हम सब 14 फरवरी से बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से मिलने आया, आपकी बात सुनने आया? और कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, सीओ सिटी साहब कल शाम को आए थे, जो एक सप्ताह का मौका मांग रहे थे। तो हम कहा हम यहीं पड़े रहेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक यहीं रहेंगे। बहराइच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच सदर 286 विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी नईम खां का डोर टू डोर कैंपेनिंग अभियान बदस्तूर जारी है और वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट करने की बराबर अपील कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण का मतदान कल 20 फरवरी को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए पोलिंग पार्टियां भी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं। कानपुर में इस सिलसिले में क्या तैयारियां की गई हैं इसका जायजा लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, कितनी सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? देखिए, ये पूरा जो हमारा नौबस्ता गल्ला मंडी का परिसर है, इसमें आज 3714 पोलिंग पार्टियां, मतलब एक पोलिंग पार्टी की बात करूं तो उसमें 4 मतदान कर्मी हैं, उन सबको मिला करके एक पूरा ओवरऑल जो यहाँ पर व्यवस्थाओं का वो है। तो पोलिंग पर्सनल्स करीब 15,000 के लगभग आज यहाँ लोग उपस्थित हैं एंड ये जो उनको ईवीएम्स उपलब्ध कराना, उनके ड्यूटी ऑर्डर्स दिलाना, ये काम टेबल वाइज हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है हर विधानसभा वाइज, और यहाँ से वो गाड़ियों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने बूथों पर जाने की जो कार्रवाई है वो संपन्न कराई जा रही है। देखिए, ये जो ईवीएम्स है उसमें उनके साथ में ऑक्सिलरी फोर्स है, हमारा जो होमगार्ड का फोर्स होता है और साथ में पुलिस का फोर्स है, उनकी ड्यूटीज़ अलग से निकाली गई हैं। हर बस के साथ में व्यवस्थापन है, 4-4 का फोर्स जो है वो उनके साथ में उपलब्ध है, और बूथ पे पहुंचने के बाद भी जो व्यवस्था है, हर बूथ पर रहेंगे ऑक्सिलरी फोर्स, उस तरीके की व्यवस्था भी इंश्योर की गई है।